So, मैं लेके आई हूँ फिर से एक नया आर्ट कॉम्पिटिशन। तो डिटेल्स बताने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, सो हाय, माय सेल्फ सुदेशना, आई एम एन आर्ट एडुकेटर, अ पैशनेट आर्टिस्ट एंड अ पैशनेट वीडियो क्रिएटर आल्सो। तो अब चले आते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक पर। एंड आप लोग जरूर ये सोच रहे हैं फिफ्थ आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया, तो फिर मैं क्यों एक नया आर्ट कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट अभी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। तो मेरी हर एक कॉम्पिटिशन के वीडियो में बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, दीदी डेट को एक्सटेंड कर दो। तो डेट एक्सटेंड करना तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए अभी मैंने वीडियो शूट किया नेक्स्ट आर्ट कॉम्पिटिशन की, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाए आर्ट वर्क बनाने में एंड नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में। तो बस आप लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड सबसे पहले ये चीज़ तो ज़रूर से क्लियर करना ज़रूरी है, जब हम कोई भी आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, राइट? तो सबसे पहले आप सभी लोग आर्ट वर्क को सबमिट करते हो, जो भी वैलिड आर्ट वर्क है, जो भी इनवैलिड आर्ट वर्क है, उन दोनों को मुझे चूज करना पड़ता है। देन ग्रुप ए में भी बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती है, लाइक 5-10 एंट्रीज नहीं होती है कि मैं जल्दी से वीडियो बना पाऊँ, बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती है। ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, तो दोनों ग्रुप में बहुत ज़्यादा एंट्रीज होने के कारण उसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ आर्ट कॉम्पिटिशन एक लेंथी प्रोसेस है। एंड उसके बाद जो टॉप 10 जो भी होता है, टॉप 10 या फिर टॉप 5, उनको चूज करना पड़ता है, देन उसमें से मैं विनर्स को सिलेक्ट करती हूँ। बस इसीलिए मैं एक नया आर्ट कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट आज ही कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग स्किप करके देखते हो, फिर सेम क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रिपीट करते हो, पर्सनली डीएम करते हो। तो मैं आज इस वीडियो में बता देती हूँ, मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं दूंगी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है वीडियो में, जो क्लियरली डिस्कस हो चुका है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अगर मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गया है, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई तो ज़रूर करूंगी। फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द साइज ऑफ द पेपर, हमें कौन सी साइज में बनाना है, लाइक A4 बनाना है, A3 बनाना है, A5 बनाना है, कौन सी साइज में बनाना है। तो मैं आपको बता दूँ, इस कॉम्पिटिशन के लिए वैलिड जो पेपर साइज है वो है A4 साइज एंड A3 साइज। तो आप A4 में बना सकते हो, A4 का डबल होता है A3 साइज, तो आप A3 में भी बना सकते हो। A5 एप्लीकेबल नहीं है इस वाले कॉम्पिटिशन में, सो A4 से छोटा कोई भी ड्राइंग नहीं बनाना। एंड बहुत लोग मुझे पूछते हो, मैम हम कौन से पेपर पे ड्राइंग करें। तो आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, लाइक आप ऑर्डिनरी पेपर यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांडेड पेपर यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है आप उसमें ही अपनी कलाकारी दिखा सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट 25th ऑफ ऑगस्ट है। तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज से कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है। एंड 25th ऑफ ऑगस्ट के रात के 12 बजने से पहले आपको आर्टवर्क को सबमिट करना है। 26th ऑफ ऑगस्ट नहीं है, 25th ऑफ ऑगस्ट के रात के 12 बजने से पहले आपको आर्टवर्क को ग्रुप में सबमिट करना है। सब बात करते हैं एंट्री फीस के बारे में। तो ये वाला कॉम्पिटिशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लेकर आई हूँ फिर से। तो इसमें भी आपको कोई भी अमाउंट पे करने को नहीं है मुझे, लेकिन हाँ यहाँ पर एक छोटा सा रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, एंड वो मैं आगे बताती जाऊंगी, सो वीडियो को ध्यान से देखना। अब बात करते हैं व्हाट इज द रेफरेंस। तो रेफरेंस पिक्चर जो स्क्रीन में शो हो रहा है, लिटिल कृष्णा का ये वाला पिक्चर, इसको आपको बनाना है। एंड ये रेफरेंस पिक्चर ग्रुप ए के लिए भी एप्लीकेबल है, ग्रुप बी के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का सेम रेफरेंस पिक्चर मैं अब रखने वाली हूँ, यानी कि इस कॉम्पिटिशन में रखने वाली हूँ। यहाँ पर कोई भी दूसरी इमेज मैं सिलेक्ट नहीं करूँगी, फिर से मैं बता देती हूँ। तो आपको एक ही ड्राइंग इमेज में दे रही हूँ, आपको इसको ही बनाना है। अभी आप सोच रहे हैं कि मीडियम कौन सा है, लाइक हम स्केच में करें, कलर में करें, सो हम क्या करें, राइट? तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो मीडियम होगा, मीडियम आप स्केच में कर सकते हो, कलर भी अलाउड है। तो मैं डिटेल्स में बताती हूँ, ओके? सो लाइक आप मान के चलो, आप अगर चाहते हो चारकोल से बनाना, आप अगर चाहो तो फुल्ली चारकोल से बना सकते हो, आप अगर चाहो तो चारकोल एंड ग्रेफाइट दोनों का यूज़ कर सकते हो, आप अगर चाहो तो ग्रेफाइट में भी फुल्ली ड्राइंग को बना सकते हो। सो ये गया स्केच का पार्ट। अभी हम बात करते हैं कलर की पार्ट में। तो कलर में क्या क्या कलर अवेलेबल है, यानी कि वैलिड है। तो सबसे पहले ऑयल पेंसिल है, उसके बाद वैक्स क्रेयॉन अवेलेबल है, उसके बाद कलर पेंसिल अवेलेबल है, एंड सॉफ्ट पेस्टल भी अलाउड है यहाँ पर। अभी बात करते हैं कौन से मीडियम वैलिड नहीं है। अगर आप इस ड्राइंग को फुल्ली वाटर कलर में करते हो, फुल्ली पोस्टर कलर में करते हो, फुल्ली एक्रेलिक कलर में या फिर ऑयल कलर में करते हो, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इन कलर्स को डिटेल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक आपने बेस लेयर जो है वो वाटर कलर से किया, उसके ऊपर आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ऑयल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हो।
लेकिन फुल्ली वाटर कलर, फुल्ली एक्रेलिक, फुल्ली पोस्टर कलर एंड ऑयल कलर, ये सारी की सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। आप इसको डिटेल्स के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पर अल्कोहल मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन बेस लेयर में पूरा आर्टवर्क अल्कोहल मार्कर से बिल्कुल भी मत बनाना। सो जो वैलिड मीडियम है वो है ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, सॉफ्ट पेस्टल एंड वैक्स क्रेयॉन। एंड अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। सो यस, डेफिनेटली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो डिफरेंस पिक्चर में, जो भी है सेम टू सेम आप अगर नहीं भी चाहो तो भी बना सकते हो। आपने आपने क्लॉथ्स का जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर दिया, आपने जो ज्वेलरीज पार्ट है उसको चेंज किया, लेकिन ओवरऑल जो फेस का जो मेन जो फेस है एंड बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो पोज है, जो एंगल है, उसको आपको सेम रखना है। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। एंड वन बोनस टिप, आप यहाँ पर स्केच एंड कलर दोनों को एक साथ मर्ज करके भी कर सकते हो। आपने बैकग्राउंड को स्केच में किया एंड ओवरऑल जो फेस है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसको आपने कलर में किया। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आपने बैकग्राउंड जो है वो कलर में किया एंड जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, तो उसको आपने स्केच में किया। सो ये भी आप कर सकते हो, यानी कि दोनों को आप एक साथ मर्ज करके भी कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं हाउ टू एंटर योर नेम इन एंट्री बुक। सो आपको अपना नाम जो है एंट्री बुक में लिखवाना है। अगर किसी ने मेरी फिफ्थ आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया है ऑलरेडी, तो उनको ये रोल अच्छे से मालूम होगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पार्टिसिपेट किया था मेरी पिछली वाली आर्ट कॉम्पिटिशन में, तो ये वीडियो आप ज़रूर से ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं कृष्णा ड्राइंग का जो है दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो तीसरा वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं कोड शेयर करूंगी। एंड इस बार जो कोड मैं शेयर करूंगी वो 1234 यानी कि डिजिट का कोड नहीं होगा, ये होगा कलर के ऊपर। कुछ भी कोड हो सकता है, रेड, ब्लैक, ब्लू। आपको उस कोड को ढूंढना है एंड आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो स्क्रीन में जो नंबर शो हो रहा है ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हो। फिर आप मेरा नंबर ग्रुप से भी ले सकते हो, यहाँ पर जो एडमिन करके जो नंबर शो होगा वही मेरा नंबर है। आपको वहाँ पर जस्ट द कोड मेंशन करना है, जो कोड मैं बोलूँगी सीक्रेट कोड, उसको आपको मेंशन करना है, आपका पूरा नेम मेंशन करना है एंड आपकी ग्रुप यानी कि आप कौन से ग्रुप से हो। ओके, तो ये करते ही, ये मुझे सेंड करते ही आपका जो नाम है वो एंट्री बुक में आ जाएगा। तो ये आप कब तक सेंड कर सकते हो, 25 अगस्त से पहले ही आपको सेंड कर देना है, यानी कि लास्ट डेट के अंदर ही आपको सबमिट कर देना है। कभी बात करते हैं कितने ग्रुप्स होने वाले हैं इस वाले कॉम्पिटिशन में। तो इस वाले कॉम्पिटिशन में भी दो ग्रुप्स होने वाले हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एज यूजुअल जितने भी कॉम्पिटिशन होती है तो वहाँ पर मैं दो ग्रुप ही रखती हूँ, तो यहाँ पर भी सेम है। तो ग्रुप ए के लिए बिलो 15 ईयर्स जो भी पर्सन है वो वैलिड है, यानी कि आपकी एज अगर 15 ईयर्स भी है तो आप ग्रुप ए में आएंगे। एंड ग्रुप बी में 16 से अबव, यहाँ पर कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है, तो 16 से ऊपर कोई भी एज तक ब्री ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू सबमिट योर आर्टवर्क। तो आर्टवर्क आपको कैसे सबमिट करना है, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करना पड़ेगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करो, वहां पर आपको तीन ग्रुप के लिंक्स मिलेंगे। एक है मेरा मेन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, जिसपे आपको ज्वाइन होना ही होना है, क्योंकि वहां पर ही आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। देन आपको मिलेगा ग्रुप ए का लिंक एंड ग्रुप बी का लिंक। तो अगर आपका एज 15 ईयर्स तक है तो आप ग्रुप ए में ज्वाइन हो जाना, एंड अगर आपकी एज 16 से ऊपर है यानी कि 16 ईयर्स है या फिर उससे ऊपर है, तो आप ग्रुप बी में ज्वाइन हो जाना। अभी जो है ग्रुप चैट ऑफ रहेगा। ग्रुप ओपन होगा कब, 21st of August से ग्रुप ओपन हो जाएगा। 21st of August से 25th of August ग्रुप ओपन रहेगा। सो आर्टवर्क सबमिट करने का प्रोसेस क्या है, आपको आर्टवर्क की एक क्लियर पिक्चर क्लिक करना है। डे लाइट में आप क्लिक करो तो वो बेस्ट ऑप्शन है, तो उसको आपको क्लिक करना है। एंड आपको एक सेल्फी क्लिक करना है विथ योर आर्टवर्क इन योर हैंड, यानी कि हाथ में पकड़ के आपको एक सेल्फी क्लिक करना है। एंड जो आपने मेन जो आर्टवर्क का पिक्चर क्लिक किया है उसमें आपको अपना एक सिग्नेचर करना है, डिजिटली नहीं करना है, हैंड रिटन आपको एक छोटा सा सिग्नेचर करोगे तो भी चलेगा। एंड आपको अपना पूरा नेम एंड ग्रुप मेंशन करना है। आप उसको हैंड रिटन भी लिख सकते हो या फिर डिजिटली भी टाइप करके फ़ोन में लिख सकते हो। मैसेज में टाइप मत करना, आर्टवर्क के अंदर यानी कि आर्टवर्क के अंदर ही आपको एडिट करके अपना नेम एंड अपना ग्रुप लिखना है। ये सब कुछ मैंडेटरी है, इसको आपको फॉलो करना है। एंड ग्रुप में अगर कोई भी रूल्स को ब्रेक करता है, यानी कि वॉइस चैट सेंड करता है, हाई हेलो, अननेसेसरी मैसेजेस करता है, सो वो इस वाले कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो हर एक कॉम्पिटिशन में कोई ना कोई ऐसा बच्चा तो होता ही है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ग्रुप ए में स्पेशली ये होता है। तो
मैं जब भी देखूंगी बहुत ज़्यादा मैसेज किसी ने किया है एंड उसको फिर से डिलीट भी कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इस वाले कॉम्पिटिशन से। तो लास्टली बात करते हैं व्हाट इज द प्राइस अमाउंट। तो एज यूजुअल जितने भी मैं कॉम्पिटिशन लाती रहती हूँ, ग्रुप ए के लिए 100 रुपीज की कैश प्राइस एंड ग्रुप बी के लिए 200 रुपीज के कैश प्राइस, एंड साथ ही साथ मैं ग्रुप ए से टॉप 10 को सिलेक्ट करूंगी एंड ग्रुप बी से मैं टॉप 10 को सिलेक्ट करूंगी इंक्लूडिंग द विनर। सो टॉप 10 को मिलेगा ई सर्टिफिकेट, तो आप लोग मेन ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाना, आपको वहां पर ही ई सर्टिफिकेट्स मिल जाएगी। सो फिफ्थ आर्ट कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है वो 25 अगस्त के बाद ही आएगा, तो कोई भी मुझे ये अब मत पूछना कि फिफ्थ आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो उससे पहले ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की जो एंट्रीज है उसकी वीडियोज भी आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी पार्टिसिपेशन हुई है तो उसको शायद मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, यानी कि ग्रुप ए के लिए 2 वीडियो आए एंड ग्रुप बी के लिए 2 वीडियो आए, या फिर एक भी वीडियो आ सकता है। सो लेट्स सी कि कितने वीडियोस आते हैं। अभी तक मैंने कोई भी पिक्चर जो है डाउनलोड नहीं किया है, तो कोई भी अपनी जो ड्राइंग है वो गैलरी से इरेज मत करना, डिलीट मत करना। सो मैं कोशिश करूँगी मैं एंट्रीज की वीडियो भी जल्दी से जल्दी ला पाऊँ, क्योंकि अगस्त के मंथ में मेरा जो है एग्ज़ाम चलेगा, तो इसीलिए कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप 6 आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए आर्ट वर्क बनाना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस वाले कॉम्पिटिशन के लिए, यानी कि 6 आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आई एम एक्साइटेड फॉर द 6 आर्ट कॉम्पिटिशन। एंड गाइस, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। एंड मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, आप चाहें तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो लोग भी इस वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, रेफरेंस पिक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ मेरी ऑनलाइन पोर्टल स्केचिंग कोर्स बहुत जल्दी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कोर्स ऑल्सो। एंड सारी डिटेल्स मैं ग्रुप में दे दूंगी, यूट्यूब पर दे दूंगी। जो लोग भी पूछ रहे हो कि आर्ट कोर्स में मैं एनरोलमेंट कैसे करूँ, तो सारी की सारी डिटेल्स मैं डिस्कस कर दूंगी, डोंट वरी। सो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर से दबा कर रखना, क्योंकि उससे ही आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से अपने फोन में मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।